दिस इज केयर यू एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, आपको टाइटल से ऑलरेडी पता चल चुका होगा। सो आई एम गोइंग टू चेंज माय हेयर कलर आफ्टर 2 ईयर्स, फॉर विच आई एम नर्वस एंड एक्साइटेड एट द सेम टाइम। क्योंकि जब आप अपनी कंट्री में होते हो ना, तो आपको काफी चीजों का पता होता है कि कौन सा सैलून अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा। बट यहाँ पे जब आप किसी डिफरेंट कंट्री में होते हो तो चीजों को फिगर आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट मैंने अपनी पूरी सर्च कर ली है, मैंने काफी ज्यादा सैलून्स को विजिट किया और उसमें से मैंने एक सैलून को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया है एंड आई रियली होप कि वो मेरी एक्सपेक्टेशन की तरह ही अच्छा हो। सो दैट इज व्हाई मैं एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, क्योंकि उनका प्रोसेस मुझे नहीं पता और मुझे इनके इतने ज्यादा रिव्यूज भी नहीं मिले यूट्यूब पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट या दिस इज माई हेयर राइट नाउ। मैं बहुत ज्यादा बालों में कलर नहीं करवाती, बट अभी बहुत ज्यादा लेट हो गई थी क्योंकि मेरे बाल थोड़े से डैमेज हो गए हैं। सो मैं जो है वो हेयर कट भी करवाऊंगी और बालों का कलर भी चेंज करूंगी। इस बार आई एम थिंकिंग कि मैं वन कलर करवाऊँ। आई नो मैं मोस्टली वन कलर ही करवाती हूँ। इफ यू गाइस रिमेम्बर, तो लास्ट टाइम मैंने टोनी एंड गाय से कलर करवाया था, अगर भूल गया तो ये रही क्लिप। सो यस, ये था मेरा लास्ट कलर जो मैंने टोनी एंड गाय से करवाया था और इस बार भी मैं सोच रही हूँ वन कलर में जाने के लिए, क्योंकि मुझे वन कलर हेयर ज्यादा पसंद है। बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम या तो बाले आज करवाऊंगी या हाइलाइट्स करवाऊंगी, बट इस टाइम जो है वो बस एक सिंपल कलर करवाऊंगी एंड आई डोंट नो कि वो कौन सा होने वाला है। अभी यू कैन सी कि इसमें सी डिफरेंट डिफरेंट कलर आ गए हैं, बाल बहुत ज्यादा जो है ना वो कलर फेड हो गया है। दैट इज बिकॉज यहाँ पे दुबई में बहुत ज्यादा गर्मी है और जब मैं आई थी तो मैंने ज्यादा रियलाइज नहीं था कि इस बात को कि इतनी ज्यादा गर्मी है। आई एम सुपर एक्साइटेड कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मेरे बाल कैसे लगने वाले हैं। अभी आप लोग देख लें, कुछ इस तरह से बाल लग रहे हैं और मैं अपने बालों को कहूंगी बाय बाय, सामने मिरर है तो अपने बालों को मैं कहूंगी बाय बाय बिकॉज अभी बहुत अब नया बाल नए बाल जो है वो आने वाले हैं एंड आई थिंक इट इज नीडेड। ऑल्सो अपने नेल्स भी करवाऊंगी और मैं उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कुछ मंथ से जब से कोविड स्टार्ट हुआ था घर पे ही नेल्स जो है वो कर रही थी, बट अभी दोबारा से आई विल बी गोइंग आफ्टर कोविड फर्स्ट टाइम जो है वो हेयर कलर और नेल्स करवाने वाली हूँ। सो और बातें नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी बहुत बातें हो चुकी हैं। ऑल्सो मेरे घर के बिल्कुल करीब ही मॉल है, उसके अंदर भी मैंने 2-3 सैलून्स देखे हैं तो उनको भी विजिट करते हैं और देखते हैं कि अगर वो ज्यादा अच्छे हैं तो वहां पर चले जाएंगे, अगर नहीं तो फिर जो मैंने सैलून सेलेक्ट किया है उधर ही जाएंगे। सो लेट्स गो ऑन दिस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी विद मी। और अच्छा हाँ, जाने से पहले इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड बी द पार्ट ऑफ माय स्मॉल लिटिल फैमिली। नाउ लेट्स गो। मजीद धूप से बचने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप दुबई में हैं तो अपने छतरी अपने पास रखें। एंड विद मी इज माई सिस्टर जो वो भी अपने बालों का ट्रांसफॉर्मेशन करवाने वाली है एंड हियर शी इज। सो टुडे इज सिस्टर्स डे आउट। एक्चुअली गर्मी का हाल कुछ यूं है, ये है गर्मी का हाल, बहुत ही गर्म गर्म सी हवा है। आई हैव माई छाता विद मी दैट इज प्रोटेक्टिंग मी फ्रॉम द सन। तो या अभी मैं वहां पे पहुंच के जो है वो आपको बाकी का दिखाती हूँ, ये ना मैं कहीं किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊँ। ओके सो फाइनली कलर जो है वो चूज हो चुका है और आपको देख के बहुत आसानी हो। आई हैव अ फ्रेंड वो कैमरे पे नहीं आना चाहती बट आई प्रॉमिस किसी दिन कैमरे पे जरूर आएगी, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे आप। शी इज ऑल्सो फ्रॉम पाकिस्तान और बहुत खुशी होती है जब आपको कोई पाकिस्तान से मिल जाए और दिल का उतना ही अच्छा हो जितने आप है। सो आई हैव चूज द कलर, यहाँ पे है ये वाला कलर, इट्स ब्लॉन्ड। अच्छा बहुत ज्यादा ब्लॉन्ड नहीं है इसलिए दिस वन, नो नो नॉट दिस वन, ये थोड़ा सा डार्कर शेड में, ये थोड़ा सा लाइटर शेड में है। दिस वन आई एम गोइंग टू चूज एंड आई होप दिस इज गोइंग टू लुक बेस्ट ऑन माई हेयर। एंड वहाँ पे मेरी सिस्टर जो है उनका क्वारंटीन स्टार्ट हो चुका है, तो गाइज या स्टार्ट होता है तो फिर मिलते हैं, दुआ करना कि अच्छा हो जाए और फिर ना हुआ तो वो एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करेंगे। सो या लेट्स स्टार्ट।
कलर लग चुका है एंड रिजल्ट्स के लिए वेट करना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा नींद आना शुरू हो जाती है जब भी सलोन में आते हैं। अभी आ गया है टाइम फॉर माय नेल्स, सो लेट्स सी कि कौन सा कलर करवाया जाए। आई एम गोइंग टू डू समथिंग वेरी डिसेंट, क्योंकि व्हेन यू डू ऑफिस वर्क तो उसमें फिर बहुत ज्यादा आप यू नो लाउड कलर करवाएं तो अच्छा नहीं लगता। Okay, so here I have a lot of options. बहुत सारी options हैं, but मैं कुछ probably simple सा कराऊंगी, maybe this one, और I can go for this one. और यहाँ पर भी बहुत सारी option है, let me select and then I'll show you कि कौन सा करवा रही हूँ। अच्छा, आई हैव फाइनली डिसाइडेड दिस कलर, लेट मी जूम फॉर यू। ओके, आई फाइनली डिसाइडेड दिस कलर बिकॉज दिस वन लुक्स रियली नाइस। और बेस्ट बात यह है कि ये सभी कपड़ों के साथ चल जाएगा, जो भी मैं ड्रेस पहनूंगी तो ये सब के साथ ही अच्छा लगेगा। सो आई हैव चूज दिस वन, सो आप करवा लेते हैं। ओके, चेंज ऑफ प्लान्स। मैंने कोई और कलर चूज़ किया था जब मैंने दिखाया था, बट जो अभी मेरा कर रही हैं उन्होंने बोला है कि आप ये वाला कलर कराएं, ये आपके हाथों पे ज़्यादा प्यारा लगेगा, वो बहुत ज़्यादा डार्क है। सो आई एम गोइंग फॉर दिस वन नाउ। तो कभी कभी किसी की मान लेनी चाहिए क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। सो या यहाँ पर हो रहे हैं मेरे नेल्स और अब मेरे धुलने लगे बाल और सारी असलियत सामने आने वाली है कि हुआ क्या है मेरे साथ। बट मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज दिस लेडी जिसने मेरे बालों में कलर किया है, शी इज़ रियली रियली नाइस और बहुत मेहनत से कलर किया है। अब क्या निकला है कलर, क्योंकि इस बार ना मैंने थोड़ा सा डिफरेंट चूज़ किया है। कलर हर बार सेम हो जाता है, मैं कहती तो ज़रूर हूँ मैं चेंज करवाऊँगी, लेकिन जब मैं करती हूँ तो वो फिर एक सेम ही लुक आ जाती है। तो ये स्टार्ट हो गया है कलर, अभी तो वो अपने औजार धो रही है बट ये स्टार्ट हो चुका है भाई धुलना। और मुझे बहुत सारी टिप्स इन्होंने दी हैं। सीखे क्या सिस्टम हुआ है बालों का।
ओके सो बाल शाल कलर हो चुके हैं, माई नेल्स आर डन एंड आई एम जस्ट लविंग माई हेयर कलर. दिस इज माई हेयर कलर. वट आई लव अबाउट दिस इज कि ये अभी वन कलर में है. दिस इज ऑन वन कलर एंड आई एम लविंग इट. अभी आपको शायद थोड़ा सा इसका डार्क ब्राउन शेड आ रहा हो, बट अगर मैं आपको सन में दिखाऊँ, जो कि प्रॉबेबली आप मेरे इंस्टाग्राम पे पिक्चर देख लोगे और मैं यहाँ पे भी वीडियो पोस्ट कर दूंगी, यू विल सी हाउ डिफरेंट द कलर इज एंड माई नेल्स लुक सो प्रिटी, दे लुक सो नेचुरल. मुझे बहुत ज़्यादा डार्कर शेड में नहीं था जाना, दो आई चूज्ड समथिंग डार्कर, बट दैट गर्ल शी टोल्ड मी कि नहीं नहीं नहीं, आप ना ये ना कराएं, आप ये कराएं, वो आपके हाथों पे ज़्यादा प्यारा लगेगा. प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे हेल्दी.